एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा 5वीं कविता गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़के चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधे नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मिलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेरे नगरी था अनबुझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राजे की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी यह मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा राहगीर ने जरा ना जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। ये बिश्ती की गलती ये उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की ये गफलत। कहा राजा ने जल्द बिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया बिश्ती हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। ये गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। ये मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक को भरता है पानी, ये गलती न मेरी ये गलती बिरानी। है मंत्री की गलती जो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसी फांसी दो तुम उसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता ना हलवा दनादन। कहा संतरी ले चले आप फौरन, महाराज ने भोजन न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, यहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बक बक मचाओ। मगर था बुद्धू ना चालाक चेला, मचाया
बड़ा ही वहीं पर झमेला, कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरु जी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरु जी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा तो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, ये संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच कर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थींदेरे नगरी थानबुज राजा। कवि सोहन लाल द्विवेदी। यह कहानी अंधे नगरी के गुरु और चेले से शुरू होती है। दोनों एक साथ ही आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह अंधे नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से फौरन वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला वापस जाने से इनकार कर देता है, कारण नगरी में हर चीज एक टके की मिलती थी। तब गुरु अकेले ही वहां से चले जाते हैं और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगा। उस नगरी में खीरा ककड़ी रबड़ी मलाई जैसी चीजें टकासेर मिलती थी। कुछ दिन बाद नगरी की एक दीवार गिर जाती है, तब राजा उसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देता है। दोषी के रूप में सिपाही कारीगर भिष्टी मशक वाले मंत्री सबको पकड़ कर लाया जाता है। बाद में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश होता है, लेकिन उसकी मोटी गर्दन नहीं थी इसलिए मंत्री को फांसी नहीं दी जाती और चेले को फांसी देने के लिए लाया जाता है क्योंकि उसकी गर्दन मोटी होती है। तब चेला अपने गुरु को याद करता है और गुरु आकर अपनी चलाकी से चेले को फांसी से बचा लेता है। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। इस कविता के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रश्न, टका पुराने जमाने का सिक्का था, अगर आज का सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो इससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। उत्तर, अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो इससे सारी जनता को फायदा होगा, लेकिन उन्हें चीजें 1 रुपए किलो में मिलने लगेंगी, लेकिन वहीं दुकानदार और विक्रेताओं को नुकसान होगा क्योंकि उन्हें हर चीज 1 रुपए किलो बेचनी पड़ेगी जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। विभिन्न देशों की मुद्राएं किस प्रकार की होती हैं? सऊदी अरब देश की मुद्रा दिनार होती है, जापान देश की मुद्रा येन होती है, फ्रांस देश की मुद्रा यूरो होती है, इटली देश की मुद्रा यूरो होती है, इंग्लैंड देश की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग होती है। प्रश्न, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना और उसे अपनी कक्षा में सुनाओ? हाँ, मैंने खरगोश और शेर की कहानी पढ़ी है। जंगल में शेर रहता था, वह मांस खाता था। उसने खरगोश को खाने के लिए अपने पास बुलाया। पहले तो खरगोश वहां जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके शेर के पास चला गया। जब शेर ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए हो, तो उसने कहा महाराज रास्ते में मुझे आपसे ही बड़ा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को वह स्थान दिखाने को कहा जहाँ उसे बड़ा शेर मिला था।
खरगोश उसे अपने साथ एक कुएं के पास ले गया और कुएं की तरफ इशारा किया। शेर ने जब कुएं में नीचे की ओर देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। वह उसे दूसरा शेर समझने लगा और गुस्से में दहाड़ने लगा। उसकी आवाज कुएं में गूंज कर वापिस आई तो उसने सोचा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। गुस्से में वह उस पर झपटा और नीचे कुएं में गिर गया। इस प्रकार खरगोश की होशियारी से अपनी जान बचा ली। प्रश्न: कविता को ध्यान में रखकर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य, सड़कें, बाजार, राजा का राजकाट वाक्य बनानी है। उत्तर: अंधेरी नगरी के बारे में कुछ वाक्य इस प्रकार से हैं। अंधेरी नगरी की सड़कें चमकदार थी। अंधेरी नगरी में सभी चीजें टका सिर भाव मिलती थी। अंधेरी नगरी में कोई नियम नहीं था। अंधेरी नगरी में किसी के दोष की सजा किसी को मिलती थी। अंधेरी नगरी में खूब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी। प्रश्न: क्या ऐसे देश को अंधेरी नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है क्योंकि यहाँ के शासन व्यवस्था और सजा देने का नियम गलत था। चारों अज्ञानता का वातावरण था। यहाँ का राजा महामूर्ख था। प्रश्न: प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेरी नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर: अंधेरी नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि उस राजा की राज प्रणाली ठीक नहीं थी। प्रश्न: राजा यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करें। उत्तर: प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा का महत्व सबसे अधिक था। राजा ही राज्य का मुखिया होता है तथा उसी का हुक्म चलता है। प्रश्न: गुरु का कथन झूठ होता नहीं है, गुरु जी ने क्या बात कही थी? उत्तर: गुरु जी ने कहा था कि मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ नहीं है। प्रश्न: राजा यह बात सुनकर फांसी लटक गया। तुम्हारे विचार में गुरु जी ने जो बात कही वह सच थी? उत्तर: राजा गुरु जी की बात सुन के फांसी पर लटक गया लेकिन गुरु जी ने बात कही थी वह सच नहीं थी। प्रश्न: गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? उत्तर: गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई थी। प्रश्न: अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। उत्तर: थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, गरजते थे बादल दमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। प्रश्न: क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती? उत्तर: तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। प्रश्न: राजा गुरुजी की बातों में ना आता? उत्तर: राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। प्रश्न: अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता? उत्तर: अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज कारीगर भिष्टी और मशक वाले को बुलाते, फिर शायद वह उन सबको फांसी की सजा देने की आज्ञा देते। प्रश्न: शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। प्रश्न: ना जाने की अंधेर हो कौन छन, छन का मतलब होता है क्षण। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ने भगरी
भग का मतलब होता है भाग। इसी से गिरी है ना मोटी घनी थी, घनी का अर्थ होता है गहरी। ये गलती ना मेरी ये गलती बिरानी, बिरानी का मतलब होता है पराई। ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, मुहूर्त मतलब मुहूर्त। प्रश्न, चमाचम थी सड़के, इस कविता में चमाचम शब्द आया है। शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में शब्द भरना है। आंधी के कारण पेड़ से डैश फल गिर रहे थे। उत्तर, आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे थे। प्रश्न, हंसा अपना सारा काम डैश कर लेती है, हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। प्रश्न, आज रहमान ने डैश सफेद कुर्ता पजामा पहना है। आज रहमान ने चकाचक कपड़ा पहना है। उस भुक्कड़ ने डैश सारे लड्डू खा डाले। उस भुक्कड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा डाले। प्रश्न, सारे बर्तन धुलकर डैश हो गए, सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए। इस प्रश्न के, इस कविता के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा।